की बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, माँ की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात है और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। कितने बजे किया अभी तक क्या हुआ भाई? FIR दर्ज हो गई? कुछ नहीं, मतलब इसके बाद भी मुझे आने की जरूरत है कि FIR दर्ज होनी चाहिए। इनका मेडिकल तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का तो पता नहीं। माँ खड़ी होकर कह रही है कि बच्ची को उठा ले जा रही, इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में? क्या कहती उत्तर प्रदेश की सरकार बताइए? नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है? ऐसे किसी की लड़की को उठा के ले जाएंगे? इतनी गुंडाई होगी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे? किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे? इतना माइकल इस जिले में कौन पैदा हो गया? आपको बताया ना परिवार ने उनकी बच्ची को उठा के ले जा रहे थे और आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे? अभी तक FIR नहीं हुई, क्या करूं मैं? आपके SP के कार्यालय पर पहुंच जाऊं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या चाहते हैं आप? जीरो टॉलरेंस, यही बोला जाता है ना? कहाँ है जीरो टॉलरेंस मुझे बताइए? 24 घंटे होने जा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट, ना मेडिकल, ना कोई पुलिस एक्शन। क्या किया आपके समय? अभी तक नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से इस आदमी को मर जाना चाहिए था, तब शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो जाती। जिंदा क्यों है? थोड़ा मार देते तब शायद आप लोग एक्टिवेट होते, कुछ करते। शर्म की बात है, कार्रवाई होगी ये तो आप आज मेरे कहने के बाद कह रहे हैं। अभी तक क्या हुआ मुझे तो ये जानना है ना, अभी तक क्या हुआ? आप लोग सब सो रहे हैं, आपका ऐसा क्या कर रहा है भाई? इतनी बड़ी घटना, मतलब किसी को किसी एविडेंस की जरूरत है? इट इज योर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ माय आईज। क्योंकि विंध्याचल में ड्रग्स बिकवाने में फुर्सत नहीं है ना। कोई आदमी मार दिया जाए, किसी की बिटिया उठा ली जाए। अस्पताल का कंडीशन है कि रात के 2 बजे बोल रहे हैं कि क्यों मेडिकल नहीं हुआ? क्यों मेडिकल नहीं हुआ? नहीं, लीगल मेडिकल के लिए बोला गया था। क्या कर रहे हैं भाई? मेरे आने के बाद तो आप आ रहे हैं, मेरे आने के बाद आप आ रहे हैं, क्या हो रहा भाई? क्या जिम्मेदारी आपकी बता दीजिए मुझे, आप सबकी क्या जिम्मेदारी है जरा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी तक आपने एक बार भी देखा, एक बार भी आपको फुर्सत मिली? दिस इज नॉट अ स्कीम, अ सिंपल केस। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को फुर्सत नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। बहु बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हालात मैंने निर्देशित कर दिया है, 2 घंटे का मैं समय दे रही हूं। अगर एक्शन नहीं हुआ, FIR नहीं हुई, तो ये सब सीधे ये मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा।